हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेल के ऊपर। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी खबर निकल के आ रही है सेल के ऊपर। तो यहाँ पे सेल के जो निवेशक है उनके लिए यहाँ पे एक खबर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस खबर को मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और यहाँ पे बात करेंगे सेल के ऊपर जो खबर है उसकी, और साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में सेल की प्राइस एक्शन कैसी रह सकती है, कौन से लेवल और टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस वीडियो के साथ आप पूरा पूरा जुड़े रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए, परंतु लाइक का बटन दबाने का बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ पे बात स्टार्ट करना चाहूंगा क्लोजिंग के साथ आज की। तो क्लोजिंग यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 123 रुपये 10 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 2.5 रुपये डाउन, 2% की गिरावट हमें यहाँ पे सेल में देखने को मिली थी। हाल फिलहाल में सिचुएशन कैसी रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसके बारे में बताने के लिए यहाँ पे मैं स्टॉकेज की वेबसाइट पे लेके आए हुए। यहाँ पे देखिए 2 साल की बात करें 150% के रिटर्न, परंतु पिछला साल की बात करें, पिछला 1 साल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इन्वेस्टरों के जो पैसे है उसको 3 गुना कर दिया है, 286% के रिटर्न। पिछले 6 महीने में 61%, पिछले 3 महीने में भी बढ़िया रिटर्न 35%। हालांकि 1 महीने से वो फ्लैट चल रहा है, और यहाँ पे 1 वीक में 5.5% की गिरावट, और आज ही के दिन जैसे मैंने बताया 2% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे बात करें फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे मैं फंडामेंटल्स में क्लिक करना चाहूँगा। आपको पता होना चाहिए स्टील सेक्टर की कंपनी है, आयरन स्टील में काम करती है। मार्केट कैप यहाँ पे आप नोट करके रखिए, क्योंकि इसके ऊपर ही यहाँ पे खबर है। तो मार्केट कैप 50,846 करोड़ के आसपास का है, मतलब कि एक लार्ज कैप स्टील की कंपनी है। यहाँ पे बात करना चाहूंगा अब और पैरामीटर्स के ऊपर, तो यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो 10 का ईपीएस दिखाई दे रहा है। ई रेशियो की बात करें तो 12 के आसपास का है, और यहाँ पे जब इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 19 है। तो इंडस्ट्री के पी से अभी भी अच्छा खासा चीप वैल्यूएशन यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें, प्राइस टू बुक, तो 1.12। डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, 2.27 की। तो बढ़िया यहाँ पे फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर करना चाहेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई दे रही है 65% की, बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। जिसमें एफआईआई और एफपीआई की बात करें तो उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है 4.32% की हिस्सेदारी। डीआईआई ने भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हिस्सेदारी बढ़ाई है 16.70%। और यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 13.99, मतलब कि लगभग लगभग 14% के आसपास की होल्डिंग है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। तो अभी खबर है उसके ऊपर ही डायरेक्टली आपको लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पे खबर आपके सामने है, तो यहाँ पे खबर पढ़ना चाहूंगा। एमएफआई, रिजिड, एमएनडीसी, सेल, बीओबी एंड अदर 4 स्टॉक आर लार्ज कैप कैटेगरी। मतलब कि यहाँ पे बात करें एमएफआई का, आपको मतलब ना पता हो तो मैं आपको पहले एमएफआई का मतलब बताना चाहूंगा। एमएफआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। मतलब कि एक म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन है, जिसमें यहाँ पे टाइम दर टाइम यहाँ पे किसी भी स्टॉक को कौन सी कैटेगरी में डालने हैं वो तय किया जाता है। तो हाल फिलहाल में जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसके तहत यहाँ पे बात करी जा रही है कि एमएनडीसी, सेल और बैंक ऑफ बड़ौदा को लार्ज कैप कैटेगरी में फिर से शामिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो लार्ज कैप जो कैटेगरी है उसका जो एवरेज मार्केट कैप निकल करके आ रहा है, मतलब कि लार्ज कैप कैटेगरी में अगर इस बार की कैलकुलेशन के हिसाब से कोई स्टॉक को शामिल करना है तो वो 37,700 करोड़ के आसपास का था। और मैंने अभी आपको बताया था कि सेल का जो मार्केट कैप है वो 50,000 क्रॉस कर चुका है, मतलब कि यहाँ पे 50,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप हो चुकी है, जो कि इस पैरामीटर से बिल्कुल ऊपर है। और इसी के चलते यहाँ पे सेल को लार्ज कैप कैटेगरी में जगह दी गई है। आप ऐसा सोचोगे कि इससे फायदा क्या होगा सेल को, तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी यहाँ पे कभी एमएफआई इंडेक्स में किसी भी स्टॉक को लार्ज कैप में जगह मिलती है तो यह कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का जो फ्लो है, पैसे है, वो उसी लार्ज कैप की तरफ ज्यादा फोकस रहता है। मतलब कि मोस्ट ऑफली म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप में ही अपना पैसा ज्यादातर रखना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है वो सेल के अंदर आता हुआ आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसका फायदा यहाँ पे सेल को आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसके चलते शेयर प्राइस में अच्छी खासी पॉजिटिविटी रहने की पूरी पूरी संभावना है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटीज की, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर प्राइस ऊपर भागेगा ही भागेगा। हाँ, भागने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, वो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ। चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और चार्ट पे क्या सिचुएशन है वो बताने की कोशिश करूंगा।
तो दोस्तों मैंने सेल का चार्ट खोल करके रखा है। यहाँ पे देखिए बढ़िया तेजी का माहौल चला था जब यहाँ पे स्टील सेक्टर में बुल रन चल रहा था। 150 के आसपास का हाई बना करके यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 115 के आसपास का लो, उसके बाद फिर से तेजी और यहाँ पे 140 का हाई और फिर से गिरावट और फिर से तेजी और फिर से यहाँ पे गिरावट है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार वो लोअर हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती टेक्निकली व्यू देखे तो। बात करूँ तो अभी जो सपोर्ट मुझे नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी 123 के आसपास मार्केट प्राइस चल रही है, तो मुझे लगता है जो सपोर्ट मिलने की उम्मीद है वो 116 रुपये के आसपास है, जो कि पिछली बार भी मिली थी। तो अगर किसी ने माल लेकर के रखा है और अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो पहले तो वो अपना एसएल है वो 116 के आसपास बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो कोई सपोर्ट लेवल मुझे नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा, इसके बाद जो डायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा वो 100 रुपीज़ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और यहाँ पे चार्ट पे भी यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे सकता है। तो जिस किसी ने यहाँ पे होल्डिंग लेकर के रखे है वो यहाँ पे एसएल अपने 116 के आसपास रखें और यहाँ पे 116 ब्रीच हो जाता है, मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो टेम्पररी एग्जिट और फिर से यहाँ पे 100 रुपये के आसपास जो नई पोजिशन बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे पोजिशन बना सकते हो। अगर 116 का लेवल नहीं टूटा और यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो 133 पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा, उसके ऊपर 140 के आसपास का और इसके ऊपर 150 के तौर पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है पहले की तरह अभी तेजी तो इतनी ज्यादा नहीं आएगी, पर हो सकता है कि यहाँ पे बाउंस बैक हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा खासा गेन मिले। बाकी बात करूँ दोस्तों तो आरएसए के लेवल की, तो आरएसए का लेवल 1 डे की टाइम फ्रेम पे थोड़ा वीक है, 45 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो आरएसए का लेवल भी धीरे धीरे नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, उनको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की लिंक डाल दी है, वहां से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प दी जाएगी। यहाँ पे मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम नंबर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, जिसके तहत आप कोई भी ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली यहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, आपकी होल्डिंग है या तो फिर आपकी कोई पोजिशन है उसमें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। दोस्तों जाते जाते आपके साथ कारोबार की सिचुएशन एक बार डिस्कशन करना चाहूंगा। यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है, 130 रुपए के आसपास क्लोजिंग हाई बनाया, 127 रुपए का लो 122, तो लगभग लगभग लो के आसपास ही क्लोजिंग दिखाई दे रही है। क्वांटिटी की बात करें तो बढ़िया क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 3,77,35,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 84,82,000 शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 22.48, मतलब कि 22.5% की डिलीवरी दिखाई दे रही है, तो डिसेंट डिलीवरी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।